हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी आप जो देख रहे हैं इसे मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या चीज़ है, तो उसको जानने के लिए वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइस, ये रहा आपके सामने मेरे बर्थडे का केक। आज मेरा बर्थडे है, मैं आपको बता दूं तो कमेंट में आपकी विशेष मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड जो नए लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे बेस्ट विशेष दीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी यूक्रेन में हूँ, बट आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे घर वाले, मम्मी पापा एंड छोटा भाई मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हुए हैं। काफ़ी प्यारा डेकोरेट किया है एंड काफ़ी प्यारा केक है। मैं घर से इतनी दूर हूँ तब भी घर वाले कितने प्यार से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। कंप्लीट मोहल्ला धुआं धुआं कर दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब हॉस्टल के बाहर आके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है जो कि मेरे ग्रुपमेट्स के साथ है, जहाँ पर सिर्फ सिक्स्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे ग्रुपमेट्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैंने छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया है। यहाँ पर दोस्तों साथ में मस्ती करते हुए। गाइस, ये है चिकन सासलिक, इसे ग्रिल करते हैं हम लोग, काफ़ी ऑसम टेस्ट आता है। यहाँ पर मेरे सारे ग्रुपमेट्स सब बैठ के साथ में डिनर कर रहे हैं। खाने में है बिरयानी, आलू पराठे, वेज के लिए पनीर वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा टाइम हम लोग साथ में बिता रहे हैं। तो गाइस, बर्थडे ख़त्म हो चुका है एंड मैं अभी बाहर निकला हूँ। शाम का टाइम है, अभी देख सकते हो अंधेरा हो गया, तो मैं केक लेके निकला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे दोस्त आए थे केक लेके। तो जो केक बचता है ना उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट करोगे को बर्बादी होगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जितने भी मुझे लोकल्स में गरीब मिल रहा है ना, मैं उनको देता हूँ केक और देखता हूँ रिएक्शन कैसा है। आइए मेरे साथ। तो जो भी केक मेरे पास बचे थे मेट्रो में, जितने भी गरीब लोग बैठते हैं जो मुझे दिखे, मैंने उनको एक एक डब्बा केक दे दिया। आप देख सकते हो उनके चेहरे पे एक अच्छी सी खुशी, एक प्यारी सी स्माइल आ गई है। ऐसा करके आप देखोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। आप यहाँ भी देख सकते हो कि मैंने इन्हें भी एक केक का डब्बा दिया और ये मेरे सामने ही इसे खाने लगे। और इस जगह पे कोई नहीं था, बट किसी का सामान रखा था तो मुझे पता है यहाँ कोई ना कोई रहता होगा, तो मैंने एक डब्बा यहाँ पे रख दिया। अगर आप लोगों के बर्थडे में भी केक बचता है तो उसे फेंके ना, उसे दे दे जिनको उनकी ज़रूरत है। तो गाइस, मैंने केक सबको बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी सी स्माइल उनके चेहरे पे आ गई, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपके बर्थडे में जितने भी केक काट रहे हो ठीक है यार, जो नहीं खा पा रहे हो तो उसको वेस्ट ना करो। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत है, जिनके पेट में खाना नहीं गया है, तो उनको दे दो यार। ऊपर वाला भी देख रहा है और आपको एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा।